सो गाइज, अगर आप एक रियलमी फैन हो और आप वेट कर रहे हो रियलमी X3 सीरीज का, तो दोस्तों रियलमी अपनी रियलमी X3 सीरीज बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। एंड इस बार रियलमी अपने 3 न्यू स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, जिसमें पहला स्मार्टफोन है रियलमी X3, सेकेंड है रियलमी X3 सुपर जूम, एंड यहाँ पर जो थर्ड स्मार्टफोन होने वाला है वो है रियलमी का गेमिंग स्मार्टफोन, जो रियलमी X3 प्रो के नाम से भी लॉन्च हो सकता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी X3 स्मार्टफोन के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे और ये स्मार्टफोन आपको कब तक इंडिया में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट टेक अपडेट्स मिलती रहें। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रियलमी ने अपने लास्ट मंथ 29 अप्रैल को चाइना में रियलमी X50M को लॉन्च किया था, वही सेम डिवाइस आपको इंडिया में रियलमी X3 5G के नाम से देखने को मिलने वाला है। अब ये बात कंफर्म कहाँ से होती है, तो आज से 4-5 दिन पहले रियलमी ने अपने इंडिया का जो सपोर्ट पेज है उस पर रियलमी X50M को लिस्ट किया था, लेकिन उसके जस्ट 2 दिन बाद ही रियलमी ने इसको रिमूव करके रियलमी X3 5G और रियलमी X3 सुपर जूम को लिस्ट कर दिया है। तो गाइज़, ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको रियलमी X3 5G बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं आपको रियलमी X3 5G में क्या क्या कूल स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो गाइज, आपको इसमें 6.57 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और इसी के साथ आपको इसमें IPS LCD पैनल विद 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, एंड इसमें आपको डुअल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। वहीं अगर रियलमी X2 के अंदर देखा जाए तो आपको इसमें सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता था, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग रियलमी X3 स्मार्टफोन के अंदर सुपर एमोलेड पैनल को मिस करने वाले हैं। एंड अब यहाँ पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G चिपसेट है, और डेफिनेटली आपको इसमें बेहतर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगी रियलमी X2 के कंपैरिजन में, क्योंकि रियलमी X2 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता था। वहीं अगर बात कर ली जाए गेमिंग वगैरह की, तो डेफिनेटली आपको रियलमी X3 स्मार्टफोन में बहुत ही ज़्यादा गेमिंग बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि रियलमी X3 5G के अंदर जो है काफ़ी कमाल का अपर मिड रेंज प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप को लेकर, तो कैमरा के बारे में कहूँगा कि कैमरा सेटअप इतना इम्प्रूव नहीं किया गया है। हालांकि रियलमी X2 के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर रियलमी X3 5G के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर ही इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि रियलमी X2 के अंदर भी आपको ये तीनों सेंसर देखने के लिए मिलते थे। सेल्फी की अगर बात करी जाए तो रियलमी X3 स्मार्टफोन में आपको डुअल पंच होल सेल्फी सेटअप देखने के लिए मिलेगा। जो फर्स्ट होने वाला है वो है 16 मेगापिक्सल का, एंड सेकंड होने वाला है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और इसी के साथ आपको इसमें 4200 mAh की पावरफुल बैटरी दी जाएगी, जो कि 30W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। 30W की फास्ट चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा होती है बजट सेगमेंट स्मार्टफोन के हिसाब से, और यहाँ पर जो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड देखने को मिलेगा। अब अगर बात कर ली जाए डिवाइस के प्राइसिंग को लेकर, तो आपको जो है स्मार्टफोन का स्टार्टिंग वेरिएंट कुछ 20,000 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए मिलेगा, या फिर ये जो प्राइसिंग है ये कम भी हो सकती है, या फिर ये प्राइसिंग ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया में जो स्मार्टफोन पर GST इंक्रीज हुई थी उसको कवर करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो गाइज, ये जो तीनों स्मार्टफोन्स हैं ये चाइना में 25 मई को लॉन्च होने वाले हैं, और उसी के एक महीने के बाद आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि आपको ये जून या फिर जुलाई में देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद रियलमी X3 के सारे स्पेसिफिकेशंस, जो अभी तक के सारे लीक्स आए थे, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको अपनी एक अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।